अंदर चल के आपको सारा टूर देता हूँ मैं एक बार इस हॉस्टल का। सो दैट्स द पार्किंग एरिया, अपनी अफ्रीका खड़ी है यहाँ पे। दिस इज़ द गार्डन, क्या सुंदर गार्डन है ये। सुबह सुबह यहाँ पे वॉक करने का बहुत मज़ा आता है बिकॉज ओस पड़ी होती है घास पे, देयर इज ड्यू ड्रॉप्स एवरीवेयर, सो यू कैन वॉक ऑन द ड्यू ड्रॉप्स। द गार्डन हैज़ अ वेरी नाइस हैमॉक, इस पर बैठ के चिल मारो, झूले हैं, कुर्सियाँ हैं, सुबह सुबह चाय पीने के लिए बेस्ट प्लेस एवर। सो यहाँ पे जो रूम्स देख रहे हो यहाँ पे दी ओनर स्टेज, एंड ऊपर जो है देर आर प्राइवेट रूम्स, बेसिकली होटल टाइप के रूम्स है, बहुत सुंदर, दिखाता हूँ थोड़ी देर में अगर वो खुले हुए तो। और अब चलते हैं यहाँ के कॉमन एरिया के पास। दिस इज द रिसेप्शन बाय द वे, देयर यू गो, सो दिस इज द कॉमन एरिया। यहाँ बैठ के आप ब्रेकफास्ट करो, ओए होए होए, नज़ारा बड़ा ही सोहना है। सो दिस इज़ द इंडोर्स कॉमन एरिया, मस्त यहाँ बैठ के रात में चिल मारो, गेम्स खेलो, क्योंकि बाहर काफ़ी ठंड हो जाती है रात में। बाकी यहाँ से ऊपर जाके जो रूम है वेरी ब्यूटिफुल, बिकॉज ये जो आप स्काई लाइट देख रहे हो दैट गोज इन टू दैट रूम एज वेल, वहाँ पे जो रूम है उसके अंदर जाती है स्काई लाइट, इट लुक्स वेरी ब्यूटिफुल फ्रॉम द इनसाइड, बट अभी शायद वहाँ कोई रह रहा है तो मैं अंदर नहीं जा सकता ऑब्वियसली। हेलो जैको, दिस द बॉनफायर एरिया, कभी पार्टी वार्टी होती है यहाँ पे तो यहीं पे करते हैं रात को, मस्त एकदम। एंड दैट इज द डोर टू निर्वाणा। आप सोच सकते हो रात को कितना ही सुंदर लगेगा, ये लुक एट द डेकोरेशन। Now let me take you to the dorm rooms which are up there. Thank you.
देयर इज अ नाइस लिटिल लिविंग रूम ओवर हियर, मस्त बैठो यहाँ पे, टीवी चलाओ, और किचन भी है छोटी सी जहाँ पे पानी गर्म करने का सामान मिल जाएगा आपको आराम से. दिस इज़ वन ऑफ द डॉर्म रूम्स सेरेनिटी, अभी बंद पड़ा है ये, पर ऊपर के डॉर्म रूम्स दिखाता हूँ. डॉर्म रूम्स आर वेरी सिमिलर टू ईच अदर, सो ऊपर का एक दिखाता हूँ जहाँ पे मैं रह रहा हूँ. दिस इज़ एन 8-bed डॉर्म रूम पैराडाइज, काफ़ी सुंदर है. एवरी डॉर्म हैज़ एन अटैच्ड वॉशरूम बाय द वे. यहाँ पे भी थोड़ा सिटिंग एरिया सा है. एंड दिस इज वेयर आई वॉज लिविंग फॉर द लास्ट 4-5 days, ब्लिस. वो सामने मेरा बेड है, पैकिंग वैकिंग कर रहा हूँ, आज वापस जा रहा हूँ बैंगलोर इसीलिए. बाकी लुक एट द रूम, इग्नोर दैट जैकेट, वो भी मेरी है. इट्स अ वेरी नाइस ड्रेसिंग एरिया एज वेल. हेलो, अभी रूम में थोड़ा अंधेरा है बिकॉज यहाँ की एम्बियंस थोड़ी ऐसी है रूम की. दैट्स द वॉशरूम, वॉशरूम भी बहुत क्लीन रखते हैं ये. देयर आर दीज टाइनी लिटिल फैंस जो कि दोपहर में काम आते हैं बिकॉज दोपहर में कभी कभी गर्मी बढ़ जाती है यहाँ पे भी. एंड देन देयर आर रीडिंग लाइट्स फॉर एवरी बेड व्हिच इज़ वेरी नाइस. एंड नाउ लेट्स गो टू द बालकनी, बहुत ही सुंदर है यार ये बालकनी भी. जस्ट हैव अ लुक, मतलब इमेजिन सुबह सुबह उठो बालकनी में ये नज़ारा हो, हाय 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 हाय, मज़ा ना आ जाए. और रात को इफ द स्काईज आर क्लियर, यहाँ पे स्टार्स भी बहुत अच्छे से दिखते हैं. सो दिस इज वेयर आई हैव बीन स्टेइंग फॉर द लास्ट फ्यू डेज. अब मैंने यहाँ आके कुछ नहीं किया. कब आया था मैं, फ्राइडे को आया था, और आज हो गया वेंसडे, तो लगा लो ऑलमोस्ट एक हफ्ता मैं सिर्फ पढ़ा रहा हूँ, कुछ नहीं किया. एक कैफ़े पे गया था जिसकी वीडियो आपने पहले देख ली है. डॉर्म रूम खाली था, सिर्फ मैं ही था यहाँ पे. बेस्ट थिंग एवर, आई लाइक बीइंग अलोन. तो बस आराम से चिल मारा. यहीं पे नीचे किचन है, दे सर्व ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर, तो मस्त घर का बना खाना भी मिल जाता है यहाँ पे. नज़ारे आपने देख ही लिए, वेरी पीसफुल इफ़ यू वॉन्ट टू रिलैक्स योर सेल्फ, एंड दैट इज़ वॉट आई केम हेयर फॉर. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, बस आज अब मैं जाऊँगा बैंगलोर वापस. मेक श्योर हिट दैट थम्स अप बटन और बेल आइकॉन दबा लेना फॉर द नोटिफिकेशन. शेयर इट विद समवन यू नो एंड कॉमेंट डाउन बिलो कि आपका इस वीडियो का फेवरेट मोमेंट क्या था. आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय.